नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर पूर्वा से है। 12,000 रुपए का वांछित अपराधी हुआ गिरफ्तार। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्मादी का वांछित अपराधी, जो कि पुलिस ने 12,000 का इनाम घोषित किया गया व न्यायालय के समक्ष पेश किया। शुक्रवार को पुलिस उपाधीक्षक रमेश चंद्र प्रलयंकर के अनुसार बीते 26 नवम्बर को अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। थाना मोरवा के गांव हिम्मतपुर निवासी अभियुक्त शिवाकांत पुत्र जगदीश रावत व दो महिला रिश्तेदारों के विरुद्ध दुष्कर्म आदि का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें पड़ोस में रिश्तेदारी में आकर पीड़िता से अच्छे संबंध बनाकर अतरंग फोटो खींच लिए और फोटो वायरल करने की धमकी देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो बना लिया। फिर वीडियो के दबाव के चलते जबरन शादी का इकरारनामा बनाकर शारीरिक शोषण करता रहा। इसी बीच पीड़िता की शादी तय होने पर आरोपी ने वीडियो, फोटो क्लिप व शादी का करारनामा आदि ससुराल पक्ष के लोगों को भेज दिया। इसमें उसकी शादी टूटने से उसकी सामाजिक बदनामी भी हुई। पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी युवक पर 12,000 का इनाम भी घोषित किया है। दरोगा लाखन सिंह ने वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जिला ब्यूरो सतीश कुमार की रिपोर्ट। द्वारा दिनांक 26/11/2020 को थाना पुरवा में मुकदमा 373/20 धारा 376 506/67 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था, जिस पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 12,000 का इनाम घोषित किया गया था। शिवाकांत सना जगदीश रावत ग्राम हिम्मतपुर थाना मोरावा जनपद उन्नाव का निवासी है, उसे पूर्वा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।